17 नवंबर 1979 की रात करीब 10:30 बजे चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के फोन की घंटी बजी। उनकी पत्नी ने फोन उठाया, मालूम हुआ कि किसी ने खुद को संजय गांधी बताते हुए फोन किया है। वे बोली कि जज साहब सोने चले गए हैं, आप कल सुबह कोर्ट में उनसे संपर्क करें। इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। 10 मिनट बाद फिर एक बार फोन की घंटी बजी। इस बार चीफ जस्टिस के 20 बरस के बेटे धनंजय चंद्रचूड़ ने फोन उठाया। धनंजय उस वक्त कानून के छात्र थे। फोन उठाते ही सामने से कॉल करने वाले ने धमकी देनी शुरू कर दी। धनंजय ने फोन धम से रख दिया, पर चीफ जस्टिस के घर ये धमकी भरा फोन आया क्यों था? और क्या 70 के दशक में लोकतंत्र की संस्थाओं को दी गई ये इकलौती धमकी थी? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, यानी रोज की एक अलग किताब और उसके अलग अलग किस्से। इसी कड़ी में हमारी आज की किताब है इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। इसे छापा है प्रभात प्रकाशन ने और लिखा है पत्रकार बलबीर दत्त ने। अविभाजित भारत की रावलपिंडी में जन्मे और पद्मश्री से सम्मानित बलबीर कई अखबार और पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। बलबीर की ये किताब 8 खंडों के 82 चैप्टर्स में इमरजेंसी के दिनों का एक दस्तावेज है। अपनी रिपोर्टिंग शैली में बलबीर ने इमरजेंसी के दिनों में की गई सेंसरशिप, राजनीतिक उठापटक और उसके बाद के दिनों के बारे में कई जानकारियां दर्ज की हैं। वे प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो की किताब रिपब्लिक की विवेचन करते हुए कहते हैं, गणतंत्र को सबसे बड़ा खतरा भीतर से है, बाहर से नहीं। 25 जून 1975 को भारतीय लोकतंत्र पर यही खतरा नजर आया, जब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, प्रेस कुछ भी छापे इस पर सरकार का सेंसर था, तमाम दिग्गज नेता जेल में ठूस दिए गए थे। जबरन नसबंदी जैसी कई क्रूर घटनाओं का वो दौर साक्षी रहा है। साल 1977 की जनवरी से चुनाव की घोषणा तक यह स्थिति जारी रही। किताबी बातें में हम आज आपको इमरजेंसी के दिनों की कुछ कहानियां सुनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस टेलीफोन की जो जस्टिस चंद्रचूड़ को आया था। दरअसल उन दिनों वे उस 3 जजों वाली बेंच के सदस्य थे जो संजय गांधी से जुड़े एक केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें निचली अदालत ने संजय को पहले ही 2 साल की सजा सुना दी थी और वे जमानत पर थे। इसी तरह का धमकी भरा फोन कॉल बेंच के दूसरे जज जस्टिस गुप्ता को भी आया था। वे कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट हुए थे और उन्होंने संजय गांधी की मारुति कार कंपनी के घोटाले की जांच की थी और भारी गड़बड़ियों की रिपोर्ट दी थी। इमरजेंसी का सबसे ज्यादा कहर मीडिया पर टूटा था। उस वक्त अखबार ही खबरों का जरिया थे। 25-26 जून इमरजेंसी वाली दरमियानी रात अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की बिजली काट दी गई, फिर उसके सरकारी विज्ञापन भी बंद कर दिए गए थे। बैंकों से दिए जाने वाले कर्ज पर भी रोक लगा दी गई। संपादक रामनाथ गोयनका को धमकाया गया, अखबारी कागज की सप्लाई में कटौती कर दी गई। लेकिन ताज्जुब है कि गोयनका के जबरदस्त सरकार विरोधी और विद्रोही तेवर के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। अपनी किताब में बलबीर दत्त ने राजनीतिक टिप्पणीकार जावेद लायक, जो उस समय इंडियन एक्सप्रेस में थे, उनकी एक टिप्पणी दर्ज की है। जावेद बताते हैं कि इमरजेंसी के बाद उन्होंने एक दिन रामनाथ गोयनका से यही सवाल पूछा। गोयनका ने इसका बहुत दिलचस्प खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी से बहुत पहले उन्होंने इंदिरा गांधी से अलग होकर रह रहे उनके पति फिरोज गांधी को एक्सप्रेस ग्रुप में नौकरी पर रखा था। उन दिनों वे फिरोज और इंदिरा गांधी दोनों के काफ़ी नज़दीक थे। वे अपनी शादी के कठिन दौर से गुजर रहे थे और दोनों ने गोयनका को ढेर सारे पत्र लिखे थे, जिनमें एक दूसरे पर निजी तौर पर अभद्र व्यवहार के कई आरोप लगाए गए थे। रामनाथ गोयनका ने इन अति व्यक्तिगत पत्रों को एक फाइल में नत्थी कर रखा था। गोयनका आगे बताते हैं, इंदिरा गांधी को डर था कि अगर उन्होंने गोयनका को गिरफ्तार कर लिया तो ये लेटर्स तत्काल दुनिया भर में छप जाएंगे। हालांकि वे कहते हैं कि इंदिरा का ऐसा सोचना गलत था, वो कभी भी इन लेटर्स को प्रकाशित नहीं करवाते क्योंकि ऐसा करना व्यक्तिगत तौर पर विश्वासघात होता। अब आपको किस्सा सुनाते हैं उस पीएम का, जो बस 2 मिनट तक ही संसद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। ये थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। आधुनिक भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह ही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्हें सदन का विश्वास प्राप्त नहीं था। उन्होंने सदन का सामना नहीं किया। शपथ ग्रहण के बाद वे केवल 23 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे और लोकसभा पहुंचने के बाद चरण सिंह मात्र 2 मिनट के लिए ही प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ पाए, वह भी तब जब वो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को अपना इस्तीफा पेश कर चुके थे। पेश एक माफीनामा भी हुआ था, वो भी 35 बरस बाद, और ये आया था भारत के पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती की ओर से।
दरअसल 1976 में इमरजेंसी के दौरान जीवन के अधिकार को निरस्त करने के अपने ही फैसले को लेकर साल 2011 में भगवती ने गलती मानते हुए पछतावा जाहिर किया। इस फैसले को एडीएम जबलपुर के नाम से जाना जाता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने दिया था, जिसमें जस्टिस भगवती भी शामिल थे। 89 बरस के भगवती ने 35 बरस बाद कहा था, सुप्रीम कोर्ट को एडीएम जबलपुर जैसे फैसले पर शर्म आनी चाहिए, मैं इसके लिए अपने को दोषी मानता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय मैं नया था, एक नौजवान जज के रूप में इस तरह का केस पहली बार संभाल रहा था। करीब 20 बरस तक 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या तक उनके डॉक्टर रहे केपी माथुर के हवाले से भी हमें एक और रोचक ब्यौरा मिला। जब इमरजेंसी के दिनों में संजय गांधी की काम करने की अखड़ने वाली शैली पर सवाल खड़े हुए तो परिवार के एक बुजुर्ग बीके नेहरू, जिनका इंदिरा बहुत आदर करती थी, इस स्थिति के लिए फटकार लगाई। इंदिरा रुआंसी हो गई, यहाँ तक कि वे कुछ बोल ही नहीं पाई। ब्रज कुमार नेहरू इंदिरा के चचेरे भाई थे और वो भारत सरकार में कई उच्च पदों पर रहे थे, मसलन अमेरिका में भारत के राजदूत समेत ब्रिटेन में भारत के हाई कमिश्नर के रूप में वे पोस्टेड थे। एक किस्सा ऐसा भी कि इंदिरा गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के कारण संपादक को जेल हो गई। बात यह थी कि बनारस के डेली अखबार गांधी ने संपादकीय की पूरी जगह खाली न छोड़कर इंदिरा गांधी जिंदाबाद से भर दी। सरकार के लिए बात नाकाबिले बर्दाश्त थी, क्योंकि इसमें छिपा हुआ कटाक्ष एक खास अर्थ रखता था। अखबार के बुजुर्ग संपादक भगवान दास अरोड़ा को जेल की हवा खानी पड़ी। हमने आपको कई रोचक प्रसंग सुनाए, अब एक विचित्र प्रसंग भी सुना जाते हैं। इमरजेंसी के दिनों में केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एक बार विदेशी संवाददाताओं के बारे में कहा कि उन्हें हमारी बात माननी होगी, नहीं तो वे भारत से जा सकते हैं। विद्याचरण ने अंग्रेजी में जो लाइन कही वो कुछ इस तरह थी, अदरवाइज दे आर वेलकम टू गो। ये जुमला बहुत चर्चित हुआ था। किताब के लेखक इस पर चुटकी भरे अंदाज में लिखते हैं, इसे उनके शब्दों वाली अंग्रेजी का कमाल कहा जाए या विद्याचरण शुक्ल का। किताबी बातें में अब जॉइंट किलर जॉर्ज फर्नांडिस की उस गलती की बात जो जनता पार्टी को बड़ा नुकसान करा गई। सन 1977 में जब चुनाव अभियान का दौर चल रहा था तो कर्नाटक की अपनी एक जनसभा में उन्होंने एक बड़ा पोस्टर लगाया जिसमें इंदिरा गांधी को किंग कोबरा के तौर पर दिखाया गया था। उस पर लिखा था, सावधान, इस चुनाव के जरिए एक शक्तिशाली कोबरा अपना फन उठाने वाला है। बलबीर लिखते हैं, पता नहीं कर्नाटक का मूल निवासी होने के बावजूद जॉर्ज को ये बात मालूम नहीं थी या उन्होंने नज़रअंदाज कर दी थी कि कर्नाटक में नागराज को धरती के संरक्षक के रूप में पूजा जाता है। उस पोस्टर के नज़दीक एक छोटा पोस्टर और लगा था जिस पर लिखा था, जनता के लिए नागराज का खात्मा कर दें। चिकमंगलूर में नागराज को मार डालना बहुत ही खराब माना जाता है, इससे भी जनता पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ। इसी किताब में हमें सेना प्रमुख की पोस्टिंग से जुड़ा भी एक ब्यौरा मिला। इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तो सीनियोरिटी के लिहाज से सेना अध्यक्ष बनने का नंबर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा का था, लेकिन इंदिरा ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि कुछ बरस पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सिन्हा के जयप्रकाश नारायण से संबंध हैं। दरअसल जयप्रकाश नारायण जनरल सिन्हा के पिता के दोस्त थे। एक बार हवाई जहाज में जयप्रकाश नारायण को देखने पर जनरल सिन्हा ने शिष्टाचार के नाते उनका बैग खुद पकड़ लिया। अगले दिन इंदिरा को इसकी सूचना दे दी गई थी। शायद ये सूचना इंदिरा को अलर्ट करने के लिए काफी थी। जाते जाते आचार्य विनोबा भावे से जुड़ी एक जानकारी भी आपसे साझा करते हैं। जब आपातकाल में विनोबा भावे पर भी सेंसर लग गया था, विनोबा की पत्रिका मैत्री की 4000 प्रतियां जब्त कर ली गईं, जिसमें उनके आमरण अनशन की घोषणा छापी गई थी। जब उनके पवनार आश्रम पर छापा डाला गया तो विनोबा को सूचित तक नहीं किया गया था। छापे की कार्रवाई को बड़ी शांति से देखते हुए विनोबा ने केवल इतना ही कहा, धन्य हो, धन्य हो। पर अभी एक मीटिंग चक्र को पूरा होना बाकी है। साल 1976 में विनोबा ने एक आचार्य सम्मेलन करवाया। उन्होंने अपने दूत को इंदिरा गांधी के पास भेजा कि वे जाकर इस सम्मेलन की जानकारियां इंदिरा को दे आए, पर इंदिरा ने दूत को मिलने का समय ही नहीं दिया। विनोबा को इससे दुख पहुंचा, पर अभी चक्र का आधा सिरा बाकी है। सन 77 की हार के बाद इंदिरा पवनार आश्रम में विनोबा से मिलने गई। तब विनोबा ने ठंडे स्वर में इंदिरा गांधी से कहा था, बाबा राजनीति नहीं समझता, पर एक नागरिक के तौर पर हम समझते हैं कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहें बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये भी है कि हम अपने इतिहास से सीखते रहें, ताकि अपने वर्तमान का ख्याल रखते हुए अपने भविष्य को सवार सकें। और इसका सबसे मजबूत जरिया है
किताबें। और ललन टॉप का तो कॉल ही यही है कि खूब किताबें पढ़िए और पढ़वाइए। इस कॉल का मान रखते हुए आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी दीपक तेंगुरिया ने। किताबी बातें का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।